हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेकर के बात करेंगे आपसे। तो यस, लास्ट लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर का डिस्कशन किया था आपसे। तो देखिए, बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। देखिए, किन रिएक्शंस को बोलते हो फर्स्ट ऑर्डर। पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए रिएक्शन इज, आप बोलोगे सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर। आप बोलेंगे रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्शन का जो रेट है वो केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पे ही डिपेंड करता है रिएक्टेंट की। तो आप बोलेंगे हमारी रिएक्शन क्या है, हमारी भी फर्स्ट ऑर्डर। अब जैसे मान लीजिए ये है, इससे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब हम रेट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे, रेट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे तो जो रिएक्टेंट लेके चलेंगे उसका जो एक्सपोनेंट है, जो उसकी पावर है, वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, तभी आप इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि जो एक्सपोनेंट है, जो पावर आपने इंडिकेट कर रखी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं आपसे, तो वो पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। यानी एक कंसेंट्रेशन टर्म पे अगर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है तो उस रिएक्शन को आप बोलते हैं जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, साथ साथ एग्जाम्पल्स भी पूछ लेते हैं आपसे कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए आप। तो इसमें एग्जाम्पल्स में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं जिसमें मैं बात कर रहा हूं आपसे डीकम्पोजिशन ऑफ, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्राइड की बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा NH4NO2। ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड की बात करेंगे तो इसका हमारे को डिकम्पोजिशन करना है। जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और नाइट्रोजन आपका, नाइट्रोजन देखिए दो नाइट्रोजन है यहाँ पे एटम तुम्हारे पास में, वो आपका क्या होता है N2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी आपका जब अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन होता है तो एक तो नाइट्रोजन गैस मिलती है और एक वाटर मिलता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे हमारे पास, टू मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन का अगर हम रेट लॉ दिखाते हैं तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट इक्वल टू में हो जाएगा के, और ये हो जाएगा NH4NO2 की पावर वन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का केस है, ओनली वन ऑफ द कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट, NH4NO2 की बात करें। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल जिसमें मैंने डिकम्पोजिशन की बात करी आपसे, किसकी जी, अमोनियम नाइट्राइड की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम डिकम्पोजिशन ऑफ, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड। हाइड्रोजन परोक्साइड का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है जी, ये फॉर्मूला होता है H2O2। आप इसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, जब डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन परोक्साइड का तो एक तो H2O मिलता है और आपको हाफ मोल मिलता है जी O2 का। ठीक है जी, और यहां पर भी अगर हम इसका रेट दिखाते हैं तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू में आपका हो जाएगा के, और ये हो जाएगा H2O2, और ये पावर हो जाएगी इसकी आपकी वन। यानी ये आपका एक फर्स्ट ऑर्डर का केस है। ये दो एग्जांपल हो गए, और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को लेकर के बात कर रहे हैं आपसे, ज्यादातर पेपरों में पूछ सकते हैं आपसे। ये दो एग्जांपल हो गए,
अब इसका थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए हमारा, अगर हम और एग्जाम्पल्स लेने की बात करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, सल्फ्यूराइल क्लोराइड डिकम्पोजिशन कराना है आपने, डिकम्पोजिशन कराना है आपने ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO2Cl2। क्या फॉर्मूला होता है? SO2Cl2। अब इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एक तो आपके पास में क्लोरीन यानी Cl2 क्लोरीन गैस मिल जाती है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन का रेट भी अगर हम दिखाते हैं तो रेट इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, के SO2 एंड Cl2 की पावर। तो ये हो गया हमारा कि भाई सल्फ्यूराइल क्लोराइड के केस में अगर डिकम्पोजिशन कराएंगे तो किस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है, और ऑर्डर आप देख रहे हो यहां पर भी क्या हमारा वन है। एक एग्जांपल और लास्ट ले लेते हैं हम, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है N2O5। जब इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं देखो NO2 का फॉर्मेशन होता है और एक O2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 मोल ले लीजिए N2O5 के, इसके अकॉर्डिंग 4 मोल NO2 के हो जाएंगे और O2 हो जाएगा। अब वैसे तो इसकी स्टोइकोमेट्री क्या हमारी 2 है, लेकिन अगर इसका रेट लो एक्सप्रेस करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो वो हमारा आता है रेट इक्वल टू में के N2O5 की पावर 1। ठीक है जी, आपको मैंने बताया था कि ऑर्डर आपका स्टोइकोमेट्री पे बेस्ड नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है हमारी, या फिर कोई रिएक्शन अगर हमारी प्रोसीड कर रही है तो स्लो स्टेप हम देखते हैं कि भाई स्लो स्टेप में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही कहलाता है हमारा, और उसमें रिएक्टेंट जितने भी अमाउंट में होगा आपका पावर में उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी पावर लेके चलते हो, यानी ऑर्डर की बात करते हो आप, एक्सपोनेंट की बात करेंगे अगर। तो ये तो हो गया कुछ एग्जांपल्स लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर के केस में। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो चलने जा रहा है हमारा, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपसे अब इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान देना है आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा। अब इसके लिए क्या है, हमने कोई जनरल रिएक्शन ले लेनी है, जनरल रिएक्शन ले लेनी है आपने कोई भी, जैसे ए है, ये हमने क्या कर दिया, ये दिखा दिया आपको भी, ये प्रोडक्ट है। ठीक है जी, अब इनिशियली की बात कर रहे हैं, इनिशियली यानी कि अब आपका जब हमारा टाइम टी इक्वल टू क्या हमारा बोल रहे हैं तो हम 0 है, तो ए का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा इनिशियल अमाउंट, उसको हमने मान लिया कि भाई ये क्या है हमारा ए मोल पर लीटर है, यानी टी 0 पे क्या है हमारा ए रिएक्टेंट का जो अमाउंट है हमारा वो ए मोल पर लीटर है। अभी रिएक्शन आपने स्टार्ट तो करी नहीं है, रिएक्शन की बिगनिंग नहीं हुई है, टाइम 0 लेके चल रहे हैं तो प्रोडक्ट तो अभी कुछ भी नहीं होगा, तो यानी प्रोडक्ट की जगह आ गया 0, यानी नथिंग इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। अब टाइम टी इक्वल टू मैं टी को लेकर के बात करता हूँ तो अब आपके पास रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम के अंदर बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। मान लीजिए कि यहां पर जितना अमाउंट हमारा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, यानी जो कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हुई है वो हमने मान लिया कि भाई ये हमारे पास क्या है जी, एक्स मोल पर लीटर। अब जितना अमाउंट प्रोडक्ट में आया रिएक्टेंट में उतना ही कम हो जाएगा हमारा, तो यहां पर हमारा रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा, ए माइनस एक्स बोलेंगे हम, आप बोलेंगे मोल पर लीटर, ये हमारा अमाउंट है जो यहाँ पे रिमेनिंग बच गया हमारे पास। तो आपने देखा कि भाई ए कोई रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइम टी 0 पे क्या है हमारे पास, टाइम टी 0 पे क्या है हमारे पास में आपका ए मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वहां पे उस टाइम पे 0 होगी, तो
अगर टाइम टी की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर बात कर रहे हैं अगर आपसे, तो कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमने मान लिया कि एक्स मोल पर लीटर है, तो हमारे पास अब रिमेनिंग अमाउंट क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट में, ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। आई थिंक सो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं, देखिए जब आप, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन की। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डेरिवेशन में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट होता है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है ऑल द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, डीएस अपॉन डीटी। डायरेक्टली पोर्शन है किसके जी, आपका एक्टिव मास रिएक्टेंट का जो टोटल हमारे पास है, टोटल कितना है हमारे पास में एट टाइम टी, ए माइनस एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं तो ए माइनस एक्स है, तो डीएस अपॉन डीटी डायरेक्टली पोर्शन टू ए माइनस एक्स हो गया। अब डायरेक्टली पोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ कॉन्स्टेंट लगा देंगे आप, तो डीएस अपॉन डीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए माइनस एक्स हो गया। ठीक है जी, तो आपने देखा डीएस अपॉन डीटी क्या हो गया इक्वल टू में के ए माइनस एक्स। अब जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, डीएस क्या है कंसंट्रेशन है, ए माइनस एक्स भी क्या है हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ले आइए, तो डीएस डी टी की जगह पे क्या लेके आ रहे हो ए माइनस एक्स को, तो ये हो गया आपका ए माइनस एक्स हो गया। अब डी टी क्या होगा जब ए माइनस एक्स की जगह पे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका भाई के डी टी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आप ये जो इक्वेशन आई है ऊपर उस पर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, देखिए अब आपका डीएक्स अपॉन में ए माइनस एक्स है ये हमारा इक्वल टू में के कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, अब आप ये हो जाएगा आपका डी टी। अब वन अपॉन में ए माइनस एक्स है यानी वन अपॉन एक्स के फॉर्म में है, जैसे अब आपसे बोलते हैं अगर डीएस लिखाओ बट वन अपॉन एक्स डीएस तो क्या होता है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स होता है। मान लो वन अपॉन में वाई डी वाई लिखाओ तो क्या हो जाता है, वन अपॉन वाई का क्या हो जाएगा आपका लॉग वाई हो जाएगा। तो यहां पर आपका वन अपॉन में ए माइनस एक्स मेंशन कर रहे हैं, तो यानी इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वन अपॉन ए माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं आपसे, तो आपका इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लॉग, इसे हम एल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल एन का मतलब यहाँ पे नेचुरल लॉग है हमारा, लॉग ए माइनस एक्स। फिर अंदर वाली टर्म की बात करेंगे तो एक तो कॉन्स्टेंट है, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा अपॉन में लिखते हैं इसको हम माइनस एक्स के लिए माइनस वन, माइनस एक्स की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा माइनस वन। ठीक है जी, अब इक्वल टू में के डी टी की बात कर रहे हैं, टी की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा टी। इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यूज करते हो, ये हमने लगा दिया प्लस आई, तो आप बोलेंगे आपका हेयर आई क्या है बोले तो हमारा इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, आई क्या हमारे पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब आप देखिए अब आपका माइनस वन है अपॉन में, तो वन से आपका जब डिवाइड करोगे तो वो तो वही रहेगी टर्म हमारी, माइनस साइन आगे आ जाएगा हमारा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो और करके मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का लॉग क्या हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स हो गया इक्वल टू में के टी हो गया प्लस आई हो गया। ठीक है जी, रिजल्ट हमारा इस फॉर्म में आ गया। इसे हम एक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, अभी आपको इक्वेशन वन ले लिया जैसे हमने। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आई की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि यहां पर आई की क्या वैल्यू होगी हमारी, तो कैसे निकालते हैं देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग
यानी कि रिएक्शन होने से पहले की बात कर रहे हैं, जब टाइम टी इक्वल टू क्या हमारा जीरो है, टाइम टी इक्वल टू जीरो है, उस कंडीशन में देन हमारा भी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज तो हुआ नहीं है। यानी अगर चेंज की बात करेंगे तो चेंज क्या होगा वहां पे, भाई जीरो, एक्स ही तो हमारा चेंज हो रहा था अभी कॉन्सेंट्रेशन में। अगर टाइम टी हमारा जीरो है तो एक्स क्या हो जाएगा वहां पे, जीरो हो जाएगा। अब इन्हीं वैल्यूज को उठा करके ऊपर वाली इक्वेशन में वन में डाल दीजिए बाप। आप बोलेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन द एबो इक्वेशन फर्स्ट। आप बोलेंगे वी है, हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो इन वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो माइनस का लॉग ए माइनस एक्स की जगह क्या हो गया, जीरो आ गया, इक्वल टू में के टी की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, प्लस आई। तो अब आपका आई क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हमारा आई क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग ए हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आप फर्दर इसी वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, अब आप फर्दर पुटिंग फर्दर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई की बात कर रहे हैं इन द एबो इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। अब हमारा क्या बन जाएगा देखिए केस, आपका माइनस का लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा के टी। आप देखिए आई की जगह वाई की वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू क्या है आपका, माइनस का लॉग ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का लॉग ए, तो ये टर्म हो गई हमारी। अब आप देखिए, अब अगर हम यहाँ पे लॉग वाली टर्म को एक साथ ले लें तो किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, जो माइनस का लॉग ए है इसको मैं लॉग ए माइनस एस के साथ में ला रहा हूं, तो माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग आपका हो जाएगा ए माइनस का लॉग ए माइनस एक्स। तो ये वाली टर्म किसके बराबर होगी, आप देख रहे हो के टी के बराबर होगी, ठीक है जी। तो याद रखी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो लॉग ए माइनस में लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू में के टी। अब आप सभी को लॉग एम माइनस में लॉग एन का फॉर्मूला पता होगा, आप सभी को लॉग एम माइनस में लॉग एन का फॉर्मूला पता होगा, तो लॉग एम माइनस में लॉग एन किसके बराबर होता है, लॉग एम अपॉन एन के बराबर होता है। लॉग एम माइनस में लॉग एन की बात करेंगे तो लॉग एम की जगह पे क्या हो, एम की जगह पे लॉग ए हो गया कह सकते हो आप, लॉग एम माइनस में लॉग एन, माइनस में लॉग एन, माइनस में लॉग और एन की जगह क्या बोलेंगे ए माइनस एक्स। यानी कि अब आपका रिजल्ट क्या हो गया, लॉग एम माइनस में लॉग एन किसके बराबर हो गया, लॉग एम अपॉन एन यानी कि लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स। और ये वाली साइड टर्म किसके बराबर हो रही है बोले तो हमारा के टी के बराबर हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब हम पूरा रिजल्ट के इक्विवेलेंट लेना है हमारे को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब के हमारा क्या हो जाएगा बोलेंगे तो टी को अगर हम इसके साथ में लाएंगे तो क्या हो जाएगा अभी वन अपॉन में टी, और ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना आपने कि जो एल एन होता है जिसको आप नेचुरल लॉग बोलते हो आप, ये एक्चुअली में होता है लॉग बेस ई, होता है लॉग बेस ई। अब इस नेचुरल लॉग को अगर हम बोले तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग बेस 10 के अंदर, तो लॉग बेस 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके बराबर होता है 2.2.303 लॉग बेस 10। यानी कि लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग बेस ई को जिसको आप नेचुरल लॉग बोल रहे हो, तो ये रिजल्ट हमारा अब क्या हो जाएगा बोलेंगे तो भाई के इक्वल टू में 2.303 अपॉन टी, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10, चाहे लिखो चाहे मत लिखो 2.303 लगाने से ही समझ में आ गई ये बात कि वहां पे बेस 10 में ये ए अपॉन में ए माइनस एक्स। तो ये हमारा रिजल्ट है किसके लिए, अगर हम बात करते हैं आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें एक ग्राफिकल का केस और आ जाता है इंपॉर्टेंट कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं यहां पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास जो ग्राफ आते हैं वो कहां कहां पे बनते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा था हमारा एक रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये रिजल्ट आया था देखिए, माइनस का लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस का लॉग ए, ठीक है ना। ये रिजल्ट हमारा आया था, आपने देखा था, ठीक है जी। इसी रिजल्ट को लेकर मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को लेके चलना है हमारे को। तो देखते हैं देखिए, हम आपका जो रिजल्ट आया था वो वहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के बात कर रहे हैं आपसे। तो आप देखिए, माइनस का लॉग ए माइनस एक्स था हमारा, इक्वल टू में क्या था हमारा, के टी था, और ये था माइनस का लॉग, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे केस को, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस का के टी, और ये हो जाएगा प्लस का लॉग, जो माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग ए। याद रखिए बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको हम किससे जी, y इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हमारा log a माइनस एक्स, और m क्या हो जाएगा स्लोप यानी कि माइनस के, और x क्या हो जाएगा t यानी कि टाइम, और c क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्या जी, log a, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ फॉलो करते हैं, ग्राफ फॉलो करते हैं तो वो तो आपको पता है, ये आपका हो जाएगा देखिए इस तरीके से। ग्राफ की बात करेंगे अगर हम, तो y की जगह तो क्या लिख देंगे अभी आप, log a माइनस एक्स, ठीक है जी, log a माइनस एक्स। और आपका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा यहां पे बोले तो हम, इसका ये क्या हो जाएगा आपका log a, और ये हो जाएगा इसका टाइम टी एक्स एक्सिस, और स्लोप नेगेटिव है तो लीनियर तो होगा लेकिन नीचे की तरफ आएगा क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है, तो यानी कि स्लोप जो होगा हमारा इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का के, स्लोप क्या हो जाएगा माइनस का के। इस तरीके से आपका इसका ग्राफ हो जाएगा अगर हम यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करें। अब इसको थोड़ा सा दूसरी टर्म में समझते हैं। अब जैसे हमारा ये तो क्या था, लॉग बेस ई की टर्म में बात हुई थी हमारी, लॉग बेस ई की टर्म में बात हुई थी हमारी। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक ग्राफ और हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखिए आपने क्या लिया हुआ था यहाँ पे, अभी लॉग ए माइनस एक्स था इक्वल टू में क्या था माइनस का के टी था हमारा, और प्लस में क्या था हमारे पास लॉग ए था। अगर ये लॉग बेस e है, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग हो जाएगा यहाँ पे, बोलेंगे a माइनस एक्स हो गया ये हमारा, इक्वल टू में माइनस का k t हो गया हमारा, और प्लस ये हो जाएगा 2.303 और ये हो जाएगा लॉग a, ठीक है जी। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आप देखिए, अब अगर इस पूरे केस को अगर हम 2.303 से डिवाइड कर दें, जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हमारा, देखिए अब आपका डिवाइड किया आपने 2.303 से, ये हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस का के टी हो गया, डिवाइड किया हुआ है 2.303 से तो ये हो गया, प्लस में 2.303 से डिवाइड किया हुआ है आपने तो ये हो जाएगा लॉग ए। यहां पर भी सेम ग्राफ की बात करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाइए आप। एक्चुअली मैं जो एनसीईआरटी की बुक है आपका उसमें इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया हुआ है, तो मैं वो ग्राफ आपको क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे। अब आप देखिए ग्राफ कैसे बनेगा बोले तो हम यहाँ पे
ये देखिए अब वाई की जगह क्या आ जाएगा बोलेंगे तो भाई हमारा हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है जी, वाई की जगह। और एक्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा, के टी की बात कर रहे हैं तो यानी कि टी हो गया, देख लो आप। और इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, लॉग ए आ जाएगा, और स्लोप नेगेटिव है तो आप इसलिए नीचे की तरफ आएगा। और स्लोप है क्या हमारा, आपसे बोल रहे हैं स्लोप की बात करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस के अपॉन में 2.303, ठीक है जी। तो ये भी ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके, तो आपने ध्यान देना है इसके ऊपर भी। इसके बाद एक छोटा सा ग्राफ और ले लेते हैं हम, आपसे बात हो जाती है कई बार की भाई रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको पता ही है कि भाई रिएक्शन का जो रेट होता है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेकर के बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वन ऑफ द कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है हमारा रेट जो होता है, वन ऑफ द कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन का रेट। तो आप बोलेंगे इस तरीके से हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं रेट भी बढ़ रहा है हमारा। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट की बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आप इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर देंगे आप, ठीक है जी। आई थिंक सो ग्राफिकल केस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं हाफ लाइफ पीरियड को लेकर के, छोटा सा टॉपिक और रह गया है हमारा, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड से क्या मतलब है, देखिए तो आप बोलेंगे इट इज दैट टाइम पीरियड, इट इज दैट टाइम पीरियड इन विच आप बोलेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिकम्स आप बोलेंगे हाफ ऑफ, ठीक है जी, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट यानी जिस टाइम पीरियड में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हाफ हो जाती है उसके इनिशियल अमाउंट के, तो आप बोलते हैं हाफ लाइफ। कोई भी अमाउंट हो, 1 ग्राम है तो आपका क्या हो जाए 0.5 हो जाए, 2 ग्राम है तो 1 ग्राम हो जाए, 5 ग्राम है तो 2.5 हो जाए। तो जितने टाइम पीरियड में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की हाफ हो जाती है उसी को बोलते हैं भाई हाफ लाइफ पीरियड। अब आपको पता है भी हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात करी थी आपसे रेट कॉन्स्टेंट को लेकर के, द रेट कॉन्स्टेंट। और अगर आपसे बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय, इज ए गिवन बाय क्या हो जाएगा बोलेंगे तो भाई भाई के इक्वल टू में अभी हमारा रिजल्ट आया था 2.303, 2.303 अपॉन में टी, और क्या था हमारा लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ठीक है जी, ये रिजल्ट आया था हमारा भाई। अभी हमने डेरिवेशन किया, अब हमें बात करनी है हाफ लाइफ पीरियड की, तो हाफ लाइफ की कंडीशन से अप्लाई करते हैं। व्हेन टी इक्वल टू लेके चल रहे हो आप टी 1/2, देन तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना चाहिए एक्स का चेंज, हमारा डेरिवेशन में हमने एक्स का चेंज लिया था तो एक्स क्या होना चाहिए इनिशियल का हाफ, और इनिशियल क्या माना था हमने भाई ए, तो आपका a/2। आप देखिए इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए, आप बोलेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन द एबो इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, हमारा क्या केस आएगा देखिए आपका,
जब ये वैल्यू सारी उठा करके रखेंगे तो हमारा फाइनली केस क्या बन जाएगा हमारा, देखिए के इक्वल टू में 2.303 और टी की जगह क्या आ जाएगा टी हाफ लॉग ए अपॉन में ए माइनस, अब आपका देखिए एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए बाय टू आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए बाय टू आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में t हाफ log, अब ये क्या हो जाएगा देखेंगे a माइनस a बाय टू है तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस a बाय टू, यानी ये क्या हो जाएगा अगर आपसे देखा जाए तो 2a माइनस a बाय टू। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं आपके लिए जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, तो ये हो गया 2.303 और ये हो जाएगा टी हाफ लॉग, अब ये हो जाएगा क्या दिया हमारा ए अपॉन में आप देख रहे हो 2a माइनस ए बाय टू यानी a बाय टू हो जाएगा ये हमारा, यानी k क्या हो गया बोले तो देखा जाए तो हमारा अभी 2.303 और ये क्या हो जाएगा टी हाफ हो गया, ये लॉग हो जाएगा 2 ऊपर चला गया तो हो जाएगा 2a अपॉन में a हो गया, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा ये हमारा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका फाइनली k इक्वल टू क्या हो गया 2.303 अपॉन में t 1/2 ये हो जाएगा log 2। और मैं बता दूं कि log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, log 2 की वैल्यू कितने के बराबर होती है 0.3010। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो और करके लिख सकते हैं k इक्वल टू में 2.303 और ये हो जाएगा टी 1/2 तो ये आपका के इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन में टी हाफ लॉग टू की वैल्यू उठा के रखो 0.3010 के बराबर होती है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया बोले तो हमारा भी अगर टी हाफ निकाल रहे हैं तो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन में के, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर आप हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन में के। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ध्यान रखना आप। ये रिजल्ट एक बात और शो कर रहा है कि हमारे को जो हाफ लाइफ पीरियड है वो के पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो आप इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम एक बात और बोल सकते हैं तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, द हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा अगर हम फर्स्ट ऑर्डर को लेकर के बात करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिलहाल आप नोट कर लीजिए इतना।